नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे सीधी। मामले को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रदेश सरकार पर हमला कर रही है। आपको बता दें, अब इसी मामले को लेकर आम आदमी पार्टी भी मैदान में कूद गई है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रमाकांत पटेल ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, बीजेपी के नेता सत्ता के नशे में चूर हैं, इसलिए आदिवासियों और दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं। मामला सामने आते ही केदारनाथ शुक्ला अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। रमाकांत पटेल ने आरोपी पर जल्द कार्रवाई की मांग की है। का एक बयान आया है अभी, जिस पे वो 2 करोड़ रुपए के मानहानि की बात कर रहे हैं। देखिए, किसी की पगड़ी उछालना, किसी की बेइज्जती करना, आदिवासियों का अपमान करना और उसके बदले पैसे दे देना, ये कांग्रेस के कल्चर में होगा। लेकिन अगर पैसे किसी हादसे की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से पैसे की मांग करते तो बात समझ में आती, ये कांग्रेस का कल्चर होगा। आम आदमी पार्टी मांग करती है कि उस पर एक ऐसी कार्यवाही हो जो नज़ीर बने, ऐसी घटना करने वाले को, ऐसा कृत्य करने वाले को ऐसे ही नहीं छोड़ा जाना चाहिए। केवल दिखावे की राजनीति करके नहीं छोड़ा जाना चाहिए कि आज मकान तोड़ दिए और कल उसका दूसरी जगह नया बड़ा मकान बनवा दिए, ऐसा नहीं होना।